सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस आज हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब के लोगों की फरमाइश बहुत दो तीन साल से थी एंड दो तीन साल तो खैर मेरे चैनल को भी खुले हुए नहीं हुए बट लोगों की फरमाइश थी। एंड गाइस मैं इससे पहले भी एक सेटअप टूर मतलब के मैंने एक रिकॉर्ड करा है बट वो सेटअप टूर में कुछ ऐसा हुआ था कहने को मेरे उसमें दोस्त भी थे और आज मैं अकेले बिल्कुल रात के दो तीन बजे आप एक देखें टाइमिंग तो गाइस मैं अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है 15 पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के टाइम। सो गाइस सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमारा अभी सेटअप मतलब कि पीसी मैंने बनवाया है ज़्यादा कोई मतलब कि गेमिंग कैसे हुई है बट सेटअप को मैंने पूरा मुकम्मल तौर पे मैंने कोशिश करी कि मैं एक अच्छा सेटअप बिल्ड करवा सकूँ और मैंने पूरी कोशिश करी है। खैर मेरा बेसिकली ये सीन था कि मैं अपना पीसी ने मैंने इसलिए बनवाया था कि मैं इजीली ब्लू स्टैक चला सकूँ इसके ऊपर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बिल्कुल अच्छा है ब्लू स्टैक चल जाता है नो लैग। तो गाइस चलते हैं सिनेमैटिक्स उसके बाद इंट्रो फिर आपको मैं इसके पीसी के स्पेक्स बताऊंगा तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। I got brides in Atlanta, she's with the lean the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacy. Zamana jale likho jab bigane mein माना बड़े तेरे भी दीवाने हम गुलशन में खड़े होने गुलिस्तान तो आने दे शायद फिर एक और मुलाकात इसी बहाने से शायराना ये बात है मेरी शायराना फायदाना मैं देखूं अपना फायदाना मेहनत जाती रहेगा ना बेबी भर बैठाएगा ना बाइगॉन्स तो बाइगॉन्स दस तोड़ूंगा कोई कायदा ना लाइक द वे शी मूव्स मेक माय माइंड बॉगल तू ही जैसे ग्रूव तुझे दिया सारा टाइम पागल मेलोडीज हम भूल जाते करना तुम रिवाइंड जरा बेबी मुझे लाइन दे रही मैं ही कह रहा माइंड अगर और जाम टूटेंगे शराब खाने में मौसमों के आने में मौसम सबसे पहले तो ये मैंने हेडफोन लिए थे यार ये मैंने एक दो साल होने वाले कम से कम तो गाइस ऐसे तो आपको इतना मतलब की साफ साफ नहीं पता चलेगा की क्या क्या है मेरे सेटअप में तो चलते हैं डायरेक्ट अपने मतलब की डेस्क पर या टेबल जो भी बोलो आप इसको तो चलते हैं हमने टेबल। तो गाइस ये जो मेरा आप एलसीडी देख सकते हैं ये मॉनिटर है सॉरी एलसीडी नहीं है। तो गाइस ये मेरा मतलब के जैसे कि सबसे पहले नज़र इस पर ही जाती है जो भी आता है तो कहते हैं कि ये कितने इंच है। तो गाइस ये 17 इंच का मॉनिटर है 60 हर्ट्ज़ का ये मॉनिटर है एंड गाइस ये मुझे इतना खास एक्सपीरियंस तो नहीं दे पाता बट सही है कि काम चला लेता है। और गाइस ये एसर का है ठीक है गाइस ये एसर का है तो गाइस ये काफ़ी अच्छा है मेरा मतलब कि नॉर्मली काम चला देता है बट सही है। एंड गाइस ये आप स्पीकर की तरफ चलते हैं और ये मेरे दो स्पीकर्स हैं तो गाइस ये देख सकते हैं ऑडियोनिक ब्रांड के हैं तो गाइस ये मुझे काफ़ी इन्होंने ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दिया इन्होंने मतलब कि एक साल चले फिर ये ख़राब हो गए बट इनके प्राइस के हिसाब से ये एक साल भी चल गए तो बड़ी बात है। इसमें एक में ब्लू लाइट भी चलती है जब भी ऑन होता है। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने ये जो मेरा सेकेंड स्पीकर है जो कि लाइट जिसमें चलती है RGB। तो गाइस ये स्पीकर मेरा बाजूका इसका नाम था और ये भी ऑडियोनिक का था एंड गाइस ये काफ़ी मुझे अच्छा एक्सपीरियंस दे देता है। एंड गाइस अब अपने कीबोर्ड की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले अपने माउस पैड की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस ये हमारा एक छोटा सा माउस पैड है और गाइस इसके नीचे मैंने जुगाड़ करी हुई है कि मैं मेरी जो डेस्क है वो काफ़ी नीचे है मेरी चेयर काफ़ी ऊपर है तो गाइस मैंने ये जुगाड़ करी हुई सस्ती कि मेरी ये मतलब कि मैंने कॉपी किताबों की जुगाड़ करी हुई कि कॉपी किताबों के ऊपर कपड़ा लगा के मैंने ये रखा हुआ तो ये बड़ी सस्ती जुगाड़ है बस खैर है ये मुझे काफ़ी मतलब कि सही लगता है मतलब कि सेटअप को थोड़ा अच्छा नहीं बनाता लेकिन मैंने फिर भी रखा हुआ है। मेरे दोस्त कहते हैं तुमने क्या करा हुआ ये बड़ा अजीब सा लगता है पूरी पूल तो मैंने कहा यार ये नॉर्मली मुझे मतलब कि सही एक्सपीरियंस दे देता है। बस ये मेरा एक कीबोर्ड है जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी की थी चैनल पे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो को। एंड गाइस ये माउस तो मैंने RGB वाला जो है ये मैंने परचेज करा था 300 रुपये तक का था ये ज़्यादा महंगा नहीं था बट ये अब ख़राब हो गया है तो ये मैंने शो के लिए रखा हुआ है और ये PC से कनेक्ट नहीं है मेरे तो मैंने सिर्फ ये शो के लिए रखा हुआ है। एंड गाइस अब चलते हैं डेल के
माउस की तरफ तो गाइस ये काफ़ी अच्छा माउस है, ये मुझे पसंद है। मतलब कि ये इसमें DPI भी है गाइस, ये 1200 DPI है इसमें मेरे ख्याल से, तो 1200 DPI बहुत है मेरे लिए, काफ़ी अच्छा। एंड गाइस ये जो मेरे हेडफोन्स हैं ये तकरीबन मैंने लिए थे 1500 से या 2000 तक के लिए थे मैंने। एंड गाइस ये मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, एंड सॉफ्ट बॉट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, बॉट है गाइस ये सॉफ्ट बहुत है। एंड गाइस थोड़ा सा मैं मेरी जबान फिसल गई, ठीक है। एंड ये था सॉफ्ट बहुत है, और ये 8 GB है, इसमें लाइट जलती है, ठीक है गाइस। ये देख सकते हो एक ड्रैगन बना हुआ है इसके ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे देता है। और गाइस अब बढ़ते हैं अपने PC की तरफ, नहीं अब बढ़ेंगे अपनी रिंग लाइट की तरफ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत गोरा आ जाता हूँ। एंड गाइस रिंग लाइट जो यहाँ एक लगा हुआ था ये है, तो गाइस ये तो खैर कोई बात नहीं, टूट गया जो टूट गया। बट गाइस ये स्टैंड है पूरा, और स्टैंड ये मैंने तकरीबन 1500 तक का, 1000 तक की लिया था ये स्टैंड विदाउट रिंग लाइट। रिंग लाइट मेरी सिस्टर ने ऑर्डर करी थी, एंड ये रिंग लाइट है, ठीक है गाइस। ज़्यादा बड़ी रिंग लाइट नहीं है, आपको वीडियो में लग रही होगी, बट अच्छी खासी रोशनी दे देता है मुझको, तो ये सीन। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने PC की तरफ, जो कि काफ़ी सही है, जो कि मैंने अभी ही बनवाया है। एंड गाइस ये देख सकते हो मेरी PC में इतनी कोई लाइटिंग, जैसे लोग कहते हैं भाई 8 GB हो, बट ये 8 GB नहीं है, बट ये मुझे एक्सपीरियंस अच्छा देता है। तो गाइस सबसे पहले इसके स्पेक्स की तरफ चलते हैं। तो गाइस स्पेक्स में मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि इसके स्पेक्स में आता है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है प्रोसेसर। तो गाइस प्रोसेसर जो है हमारा वो है कोर i5 सेकेंड जनरेशन। एंड गाइस ये मुझे तकरीबन पड़ा था, प्रोसेसर का मुझे ना कुछ ख़ास याद नहीं है, तो आप सर्च करिएगा, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा ब्लू स्टैक चलाने के लिए मैंने कोर i5 सेकेंड जनरेशन बाय करा था। एंड ये केसिंग वेसिंग का मुझे नहीं पता, और मेरा ग्राफिक कार्ड है AMD की तरफ से 1 GB का, और मुझे अब चेंज करवाना है, 2 GB का लगवाऊँगा। तो गाइस ये सीन है, और हमारी जो रैम है वो 8 GB रैम लगी हुई है, वो भी मुझे 16 GB करवानी है, 12 GB करवाऊँगा। एंड गाइस फिर मेरा PC 20 PC बन जाएगा, और खैर अभी भी मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे देता है, बट ये है कि फिर भी मैं इसके अंदर अपग्रेड करवाता हूँ। एंड गाइस अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अभी ये परसों ही, मतलब कि वीडियो तो खैर बाद में आएगी बहुत, तो ये मैंने अभी बनवाया समझे PC, तो ये सीन है। एंड गाइस मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं ना अपने, इतना कोई मेरा खास तो नहीं है कि मेरा बहुत सारा सेटअप हो। जिस पे सेट करता हूँ, जो कि एक आम तो सोफ़ा, ये मैं उठ के दिखाता हूँ आपको। गाइस मैं रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ, ये iPhone 12 से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है गाइस। ये एक मेरी सीट है, जो कि एक सोफ़ा है, जो कि मुझे मतलब सॉफ्ट है काफ़ी, तो सही है गाइस। ये मेरा कुछ इस तरीके का सेटअप दिखता है, जो कि काफ़ी बुरा नहीं है। मैं इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास है, लोगों के पास तो ये भी नहीं है, बट गाइस ये मुझे एक्सपीरियंस तो अब काफ़ी अच्छा दे दे। तो गाइस फिर मैंने कोर i5, दुकान वाली तो कहती हैं, मैं कहाँ था, मैं भूल गया यार। तो गाइस फिर मैंने कोर i5 सेकेंड जनरेशन बनवाई है, तो गाइस ये मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दिया। अब लोग तो ये भी कहेंगे भाई कि यार तुमने झूठ बोला है हमसे कि तुम्हारा कोर i5 सेकेंड है, भाई तुम झूठ बोल रहे हो हमसे। तो भाई दिखा देता हूँ मैं लोगों की फरमाइश पे, और अरे 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 अरे, अरे, अरे अपना 720p वाला मैंने तो वो ही नहीं दिखाया आपको। हमारा ये वेबकैम है, जो कि A4 टेक का है, मुझे इतना इसका खास नहीं पता ही, मैंने ऐसी 1500 का लिया था जब मैंने नया नया सेटअप मतलब के बनाया था अपना, तो ये मैंने 1500 का ही लिया था। एंड सही मतलब कि ना कोई खास क्वालिटी नहीं है इसकी, अगर आपको बाय करना है तो इससे थोड़ा अच्छा ही लीजिएगा, इसकी कोई खास क्वालिटी नहीं है। अब चलिए दिखा देता हूँ मैं अपने स्पेक्स आपको PC खोल के। तो गाइस ये मेरा एक डिवाइस स्पेक्स लगे हैं, तो गाइस ये देख सकते हो आप कि मेरा डेस्कटॉप सब कुछ देख लो आप, कोर i5 और सेकंड 2400 और 3.10 GHz 8 GB रैम, एंड यही मेरा एक सेटअप है छोटा सा। तो गाइस वीडियो तो पसंद आई होगी आप लोगों को, चले मिलते हैं मेरे फेस कैम में। तो गाइस आपको पता ही होगा कि मैंने जैसे कि आपको स्पेक्स दिखाए अपने PC के, एंड गाइस ये देख सकते हो आप स्पेक्स अब तक खुले हैं मेरे PC के। तो गाइस ये स्पेक्स है, ठीक है गाइस, और ये कोई फेक वीडियो नहीं थी। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। गाइस मैं थक गया गर्मी में बैठ के, फैन ऑफ है, देख फैन ऑफ है।
क्योंकि वीडियो में आवाज़ आए तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मुझे सांस फूल रही है, सॉरी। हाँ तो गाइस, और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब का भी मैं टारगेट दे रहा हूँ आप लोगों को, तो सब्सक्राइबर्स तो कम से कम 10 होने चाहिए, एंड लाइक्स तो भाई मैंने जितने का पीसी बनवाया है उतने ही लाइक्स का मैं टारगेट दूंगा। तो गाइस ये 50 समझ गए ना, 50 लाइक्स तो करवानी है। अगर मैं कहता 50,000 लाइक तो आप लोग तो मर जाते, बट आप लोग 50 लाइक करवा दें तो 50,000 तो खैर कभी भी छोड़ी। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस मैं जिससे खेलता हूँ वो तो मैंने बताया ही नहीं यार, ये मेरा एक पीसी बोल रहा हूँ गाइस, पीसी दिमाग में बैठी। तो गाइस ये मेरा इन्फिनिक्स हॉट 10 एस सर्च कर लीजिए, स्क्रीन पे भी आ जाएगा आपकी। एंड गाइस पीसी का एमुलेटर भी बता ही देता हूँ मैं, जिसके लिए मैंने मेन बनवाया था ये पीसी। एमुलेटर ब्लूज चेक से, एंड उस पर फ्री फायर काफ़ी अच्छा चल जाता है, हेडशॉट काफ़ी अच्छे मैं मार लेता हूँ उस पर। तो गाइस कब से मैं बोल रहा हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई सच में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।